स्वाद खजाना को सब्सक्राइब कीजिए मजेदार रेसिपी के लिए, साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फूडीज, स्वाद खजाना में आपका स्वागत है। मैं पल्लवी। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पुडिंग, जो एक चॉकलेट डेजर्ट है। बनाना काफी आसान है और ये रेसिपी काफी यमी चॉकलेटी है, सभी को पसंद आएगी, खासतौर पे बच्चों को। तो चलो सामग्री देख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सामग्री में हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, कोको पाउडर, शक्कर, हेवी क्रीम, ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट, वैनिला एसेंस, दूध, स्प्रिंकल्स लिए हैं और एक चम्मच बटर। फर्स्ट स्टेप में हमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे छान लेना है। हमने छालनी ली है, छालनी में हम कोको पाउडर डाल दिए हैं, कॉर्नफ्लावर डाल दिए हैं। अच्छे से छान लेना है इन दोनों चीजों को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम फुल क्रीम जो दूध है वो हम डाल देंगे इसमें, पहले आधा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क से, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी जो बचा हुआ दूध है वो हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम शक्कर डाल देंगे, शक्कर को डिसॉल्व कर लेंगे इसमें। अभी इस कैसेरोल को हम गैस के ऊपर रख देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे और 10 मिनट के लिए इसे हमें कुक करना है। और जो विस्क है हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, स्टिर करना है, ताकि जो लम्स है ना आ पाए। देखिए जो पुडिंग है अभी थिक हो रही है, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट जो चॉकलेट है उसके कुछ पीसेस डाल देंगे। अच्छे से चॉकलेट्स को डिसॉल्व होने देना है इस पुडिंग में और विस्क से कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। देखिए कितना सुंदर चॉकलेटी कलर आया है इस पुडिंग को। कंटिन्यूअसली हम ये चलाते रहेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप चीनी की जो मात्रा है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके टेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी हम इसमें हेवी क्रीम डाल देंगे, ये फ्रेश क्रीम है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इस क्रीम को पुडिंग में। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है क्रीम इसमें। अभी हम एक चम्मच बटर डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर को। बटर की वजह से पुडिंग को एक अच्छा शाइन आता है। देखिए आप देख सकते हैं पुडिंग अभी अच्छे से तैयार हो ही गई है, एकदम ठीक हो गई है। जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और पुडिंग को थोड़ा ठंडा होने देते हैं ताकि हम सर्व कर पाए। 2 से 4 ड्रॉप हमने वैनिला एसेंस डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं पुडिंग में से। हमने 2 बाउल लिए हैं। अभी ये जो हॉट चॉकलेट पुडिंग है हम इसमें डाल देंगे, सर्व कर देंगे। इसे गार्निश करेंगे हम स्प्रिंकल्स के साथ। पर्ल स्प्रिंकल हम यूज कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, और कलरफुल जो स्प्रिंकल्स है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, स्टार शेप के। अभी हम इसे सेट करेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के। आप ओवरनाइट भी ये रख सकते हो या फिर 2 घंटे रेफ्रिजरेट कीजिए, काफी होगा। तो देखिए अभी हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अभी देखिए 2 घंटे के बाद हमारी चॉकलेट पुडिंग तैयार है खाने के लिए, एकदम ठंडी ठंडी है। ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, काफी स्वाद मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना चॉकलेटी और बाउंसी बनी है ये पुडिंग, स्प्रिंकल से बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर दिख रही है ये। बच्चों को काफी पसंद आएगी ये रेसिपी, आप जरूर बना के देखिए। चलो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। एकदम बाउंसी, सॉफ्ट और चॉकलेटी। तो जरूर बना के देखिए इस चॉकलेट पुडिंग को और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और हाँ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर एक नए रेसिपी के साथ स्वाद खजाना के किचन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।